अम्मा अम्मा उठो। अरे अम्मा उठो। अरे आज हमारी और पारो की शादी का दिन है, उठो आप चलो। अरे अभी अभी तो सुबह हुई है, इतनी सुबह सुबह तैयार काहे हो गया, इतनी सुबह सुबह थोड़े ना बारात लेकर जाएंगे हम। अम्मा उठो। अरे शांति से सोने दे भाई। अरे अम्मा हमें आराम नहीं हो रहा है, हमें जल्दी जाना है, हमें भरोसा नहीं हो रहा कि पारो हमारी शादी हो रही है, हमें जाना है चलो अम्मा जल्दी। भरोसा भी मत करना वो पारो पे, देखा नहीं कैसे जेल से छुड़वा कर सीधा पलटी मार दी। अरे इतनी अमीर खानदान से वो बबली का छोड़कर ये पारो भिखारन के पीछे काहे पगलाया हुआ है। अरे शांति से सोने दे हमका। अम्मा हम नहीं कुछ जानते, हमें बस शादी करनी है, एक बार शादी हो जाए फिर वो हमसे प्यार करती हो चाहे ना करती हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार हमारी बीवी बन जाए वो फिर उसको गुलाम बनाकर रखेंगे हम, अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे, बता रहे हैं चलो अम्मा उठो। अरे अम्मा उठो अम्मा। अभी हाल में ना कोई नहीं है, सही मौका है पारो भाग जाए यहां से। ए नौकरानी कहाँ जा रही हो तुम? हम वो ज्योति जी। चल जा मेरे लिए पानी लेकर आ। अच्छा रुक। तुम नौकरों को शादी के दिन ही तो छुट्टी मिलती है। चल छोड़ आज मत काम कर, इनफैक्ट देख मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, कुछ पुरानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये पुराना लहंगा, इतना सामान तुम गरीब लोगों ने कभी देखा नहीं होगा ना, राइट? रख ले गिफ्ट समझकर, क्योंकि ना मैं आज बहुत खुश हूं तुम्हारी औकात का जीवन साथी मिला है तुम्हें। ये देख ये तैयारियां देख, ये शादी ना तुम्हें भीख में मिल रही है, कभी सुने किसी नौकरानी के लिए इतना तामझाम? हाँ लॉटरी निकल आई तुम्हारी तो। भारत के आने का टाइम भी हो गया है और नहीं शादी तो हमको नहीं करनी है। नहीं नहीं पारो, ऐसे खड़े खड़े इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ से भाग जाते हैं ना, बाहर तो निकलते हैं फिर देखेंगे। अरे तैयार नहीं हुई अभी तक, आइए ना वो हम वो पूजा कर रहे थे। पूजा तो होती रही पर मुहूर्त का समय भी तो निकला जा रहा है। आज तुम्हें मैं तैयार करूंगी। आप सौ में एक जी जी। चलो बैठो ना बैठो। हम तो यहाँ फंस गए, अब क्या करें, हमको तो ये शादी करनी ही नहीं है, कैसे भागे यहाँ से? तुम्हें इस मेकअप की जरूरत है नहीं, वैसे इतना खूबसूरत जो बनाया है तुम्हें। बस इसी सिंदूर को तो हटाना है मुझे आज, फिर नागमणि मेरी। मत छुओ जीजी करंट लगेगा।
क्या हुआ, अब ठीक है? हाँ, तुम सामने देखो। पारो, तुम एक काम क्यों नहीं करती? आज तो तुम्हें सिंदूर लगना ही है पप्पी के नाम का, तो इस सिंदूर को हटा देते। रंभा, हाँ? पानी लेकर आओ। हाँ जी, लाई। हाँ, इन्हें लग रहा है कि ये पप्पी के नाम का सिंदूर है, लेकिन ये तो हमारे शंकर के नाम का है, जो कभी नहीं हट सकता। शंकर पर चुड़ैल का साया है, उनकी जान खतरे में है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम ये सिंदूर मिटा नहीं सकते। इस चुड़ैल का साया सिर्फ शंकर के ऊपर नहीं, तेरे ऊपर भी है। मेरी नागमणि जो तेरे सर पे लगी है नाखून, डालो